वसीम साहब बताइए, क्या जबरदस्त शेयर्स लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए? पहले तो आपको बताऊं, लखनऊ में आपको कहा था, रीजनिंग भी दी थी क्यों नौकरी आउट परफॉर्म करेगा, 2 दिन में 9% बढ़ा नौकरी, इसे कहते हैं कॉल। तो नौकरी लार्ज कैप था, जो आपको कहा कि वैल्यूएशन पे 83 में से 2 लिस्टेड कंपनीज जोमेटो एंड पीबी फिनटेक आर वर्थ 25,000 करोड़ इन अ टोटल मार्केट कैप ऑफ 60,000 ऑफ नौकरी एंड 81 आर टू बी लिस्टेड। आज के मेरे दो पिक्स है, पीएसयूज आर ऑन फायर, लेकिन मैंने आज एक ऐसा पीएसयू निकाला है अजय जी जो बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है, पेट्रोनेट एलएनजी। आपको पता है एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको रीगैसिफिकेशन करती है ये। दे हैव टू प्लांट्स एट दहेज एंड कोची व्हिच आर रनिंग एट दे आर द थर्ड लार्जेस्ट गैसिफिकेशन कंपनी इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ आर एलएनजी आर इंपोर्टेड। इसके नंबर जो लास्ट हाफ ऑफ ईयर में आए थे, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। मार्केट को अच्छा नहीं लगा बिकॉज उन्होंने 20,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था एंड द कैपेक्स इज एक्चुअली ड्रॉन ऑन द बैक के 16% आईआरआर दे विल जनरेट ओवर दैट। 5,000 करोड़ पर ईयर दे विल स्पेंड एंड दैट इज ऑन प्रोपलीन एंड पॉलीप्रोपलीन एंड इथेन एंड प्रोपेन की जो ट्रोलिंग होती है। सो दे आर टेलिंग अस दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट 13% नीड फॉर एलएनजी एंड पॉलीप्रोपलीन एंड प्रोपलीन एंड द बिजनेस व्हिच दे आर सीइंग is going to add to an EBITDA not of 250 per ton but 600 rupees per EBITDA over the next 3 years. ये एक ऐसा PSU है जो मेरे को तो 300 का भाव भी कम दिखता है। हमने इसको ऐड किया है और हम सोचते हैं इसको लेके बैठने वाला है। जिस तरह से PSU में आप प्रॉफिटेबिलिटी या यू नो अनक्वेश्चनेबली एक प्राइस देख रहे हो सम ऑफ द लैगर्ड्स, हियर इज अ स्टॉक वर्थ पुटिंग मनी वेयर द फंडामेंटल्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव। So I would suggest everyone to have Petronet LNG in their portfolio. Give it 2 quarters, you will be up 25%. 250 is my first target. I would not be surprised even if it hits 300. दूसरा मेरा पिक है JSW Steel. ये हमारी भी ownership में है. Dollar is on a weak note. अगर 100 टूटता है तो JSW Steel will be laughing his way to the bank. It is the largest integrated player in India. Lowest cost. और उसके पास सब तरह से आप प्रोजेक्ट्स में सबसे टॉप उसकी है जो डिस्पैचेस हो रही है। ये शेयर न्यू हाई पे है और ये मुझे 1,000 रुपए का भाव जल्दी दिखता है और 1,100 का भाव, एज ए डिस्क्लोजर, ये दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है। और तीसरा मैं रिइटरेट करता हूं, इस मौके को मत छोड़िए, मारुति एक्यूमुलेट कीजिए 10,300-350 पे, आपको 11,000 का टारगेट बहुत जल्दी दिख जाएगा, मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर। के तीनों शेयर हो गए इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग। मेरे को मारुति भी काफी अच्छा लगा। सर आज हम भी सुबह कह रहे थे कि जो गैस स्टॉक्स है ना उसके अंदर डिलीवरी वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है और आज आपने पेट्रोनेट एलएनजी का नाम लेके हमारी कन्विक्शन को भी थोड़ा बूस्ट किया है। हमने सर गेल भी बोला था, आज आप गेल को भी ट्रैक कर रहे हैं सर? जब पेट्रोनेट एलएनजी देखा होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपने गेल भी देखा होगा, आईजीएल एमजीएल भी देखे होंगे। डीपी जी, गेल मेरे पोर्टफोलियो में 107 से लेकर 110 में है और बहुत अच्छे चुनिंदा क्लाइंट्स बहुत खुश है और गेल को मैं बेचूंगा नहीं 165 तक। आपने सही फरमाया, एज अ पाइपलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उनकी वॉल्यूम्स आर गोइंग टू ग्रो इमेंसली और गेल सम ऑफ पार्ट्स इज एक्सट्रीमली गुड। बट जो मैंने आपको फंडामेंटल पेट्रोनेट एलएनजी का दिया, आई थिंक इट्स अ ज्वेल इन द क्राउन व्हिच इज लाइंग इन द डस्ट, इट कैन रियली फाइंड लॉट ऑफ वैल्यू। तो गेल एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में 108-10 से है और हमारे को 165 का भी भाव शायद कम दिखता है, लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी इन दिस एलएनजी स्पेस इज लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ऑल राइट वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।